नमस्कार दोस्तों, मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज जब मैं अपने एग्रीकल्चर फार्म पे विज़िट किया शाम के समय, तो काफ़ी जगह पर मैंने स्टेम बोर और गोब की सुंडी का अटैक देखा। उसके अंडे भी देखे, जहाँ पर पत्तों के पिछली साइड पे जहाँ पर अंडे देते हैं वो भी देखे, कुछ वीडियो ली, कुछ फ़ोटो ली। और जो मौसम भी आजकल फेवरेबल चल रहा है, 2 दिन पहले बारिश भी आई है, खेतों में पानी खड़ा है, तो जो नमी है और जो टेम्परेचर है ये इसके फेवरेबल है। तो एक ये मुझे लगता है ये प्रिडिक्शन है कि गोब की सुंडी जो है ना वो आने वाली है और ज़ोर शोर से आने वाली है। तो इस बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। धान के खेतों में जो सुंडी ज़्यादा नुकसान करती है वो पीले रंग की होती है। वैसे तो सफ़ेद और गुलाबी रंग की भी होती है। गुलाबी सुंडी जो है वो ज़्यादातर गन्ने के खेत में अटैक करती है। ये हमारे लिए, धान के खेतों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गोब की सुंडी धान की फसल में किसी भी स्टेज में नुकसान कर सकती है। शुरू शुरू में ना ये पौधे को नीचे से खाती है, एक सुराख करती है तने में और सूखी गोब को ऊपर खींचने से आसानी से ऊपर आ जाती है, खींच जाती है। पहला अटैक जो है वो 40 से 45 दिन की फसल पे होता है। शुरू में कभी कभी अगर हम खेत में ज़्यादा पानी दे दें तो इसके अंडे ख़त्म भी हो सकते हैं, मर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ देखो, ये अक्सर हमें अपने खेतों में मिल जाते हैं। क्या है ये? अरे वाह, ये तो कुछ स्पंजी सा है, सफ़ेद सा है। ये है स्टेम बोरर, गोब की सुंडी ने अंडे दिए हुए हैं। ये ऐसे ही देते, थोड़ा सा तना देखो, ये ऐसे मुड़ा हुआ होगा और तने के उल्टी साइड पे दिए होते हैं। अब मैं इस पत्ते को तोड़ लेता हूँ। तोड़ के आराम से बैठ के इसको देखेंगे कि भाई ये क्या करता है। जब पौधा गाभे की स्टेज में होता है तो अडल्ट तितलियां पत्ते के ऊपरी साइड पर अंडे देती हैं। सफ़ेद सफ़ेद देखने को मिलता है, पत्ता मुड़ा होता है, उसके बैक साइड पे अंडे होते हैं। अंडे से लार्वा निकलती है, वह सेकंड इंस्टार लार्वा, 5 होते हैं इंस्टार। सेकंड इंस्टार लार्वा जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ऊपर वाली जो गांठ होती है तने की वहाँ से अंदर घुसता है, अंदर घुस के तने को अंदर से खाना शुरू कर देता है और नीचे की तरफ आता है। बालियाँ, क्योंकि वो सप्लाई सिस्टम तो कट हो गया, बालियाँ सफ़ेद निकलती हैं और खाली होती हैं, डेड हर्ट्स बोलते हैं। तो ये दूर से ही पहचान आ जाती है कि गोब की सुंडी का अटैक हुआ हुआ है। और जब ये बालियाँ सफ़ेद हो जाए फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, सांप निकल गया आप चाहे लाठी पीटते रहो। तो कंट्रोल जो करना है वो तो हमें पहले ही करना पड़ेगा। और जो धान देरी से ट्रांसप्लांट होती है उसमें अटैक ज़्यादा आता है, जिसमें यूरिया ज़्यादा दिया हुआ हो उसमें ज़्यादा अटैक आता है। जिस खेत में गाभे की स्टेज में जब पौधा बड़ा हो जाता है, लगातार खड़ा पानी रहे, ज़्यादा बारिशें हुए, एक्वेटिक एक सिचुएशन रहे, तो वहाँ पर भी अटैक बहुत ज़्यादा आता है। दोस्तों कई बार ऊपर से देखने में, दूर से देखने में लगता है कि भाई जैसे गोब की सुंडी का अटैक है, लेकिन होता कुछ और है। मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। एक में तो गोब की सुंडी का अटैक है और एक जो है वो चूहे ने खाया हुआ है। आइए देखते, ये देखिए क्लियर कट सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब इसको ना खींच के देखते हैं क्या वाकई ये बीच में से कट किया हुआ है। स्टेम बोरर का ये अटैक है, ये तो बाहर का पत्ता है। ये है गोब, इसको खींचते हैं। नहीं, ये तो दीमक का, यानी जैसे किसी चूहे ने खाया हुआ है, ये वो चीज़ है, स्टेम बोरर नहीं है। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि ऊपर से देख के कि वाकई स्टेम बोरर है या ये भी कुछ वैसे ही दिख रहा है। ऊपर से देखे लगता है कि जैसे भी स्टेम बोरर है और ये स्टेम बोरर नहीं है। तो हमें हर एक चीज़ ना ध्यान से देखनी चाहिए। मौसम अनुकूल है तो ये तो होना ही है, ये फिर अंडे। और ये बासमती है, फर्टेरा का ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। गोब की सुंडी के अंडे तो दिखे हैं इसमें, और जो है अंडे जो हैं वो 3-4 दिन में सुंडियों में तब्दील हो जाएंगे। ये सुंडियाँ जो हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया है, इनकी उम्र जो होती है 20-21 दिन की होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि सब कुछ देखते समझते हुए अपने फील्ड को विज़िट करें,
अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो इसका उपचार ज़रूर से ज़रूर करें और जल्दी करें। दोस्तों, मेरी ये वीडियो, मेरे आइडियाज़, मेरे ये व्यवहार आपको अगर पसंद आता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।